ऊपर कौन है? खुद है ईश्वर। सरकार आपका अपमान, सरकार पूरे विश्व का अपमान है। मैं तो सदा की भांति आपके शौर्य, आपके वीरता, आपके बल की प्रशंसा कर रहा था सरकार। जिसका नाम सुनते ही रूपनगर के लोग थक-थक कांपने लगते हैं। उस जादूगर विचित्र सेन ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है। अब मैं यहाँ इसी उधेड़बुन में लगा हूँ कि किस मुंह से रूपनगर वापस जाऊं। अब समझे? आश्चर्य है। अरे क्षमा मांगेगा वो, और वो भी आपके पैरों पे सर रख कर। तो सरकार इस समय हमें थोड़ा चतुराई से काम लेना होगा और उससे जाकर मिलना होगा। अरे क्या चंगू, अरे तुझे पता है ना मुझे खाते वक्त कोई परेशान करता तो अच्छा नहीं लगता। क्या कर रहा है तू? अरे चंगू ये क्या, तू जब नदी में जल पीने के लिए गया था तो तेरा मुख मुरझाए हुए कमल की तरह था, किंतु वापस लौटते ही ये तेरा दिक्कत जैसा मुख कमल के फूल की तरह खिलके से गया। ऐसी कौन सी खुशी तुझे मिल गई? अरे मुझे तो पता, आज मुझे अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों का पता चल गया मंगू। पहले मैं अपने कद के कारण स्वयं को निर्बल समझता था, किंतु आज पता चला मैं सबसे बलवान हूँ। हाथी जैसे विशाल काय है, अगर तू उनके बीच खड़ा भी हो गया तो चींटी के जैसा मसल दिया जाएगा। फिर तुझे कैसे भ्रम हो गया चंगू कि तू बलवान है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। पहले मेरी बात तो सुन ले मंगू, उसके पश्चात कहना कि मैं कौन हूँ। अभी मुझसे भयभीत होकर वो दोनों महाबली भागे, वही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। दो महाबली तुझसे भयभीत होकर के भागे? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है चंगू कि तुम महामूर्ख है। तू भी अपने सरकार के जैसा मूर्ख है मंगू, वो भी अपने पिताजी की बात पर विश्वास नहीं करते। तू भी वैसे मेरी बात पर संदेह करने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ मंगू, वो दोनों महाबली मुझसे भयभीत होकर इधर से भाग गए। ये चंगू मैं तुझ पे कैसे विश्वास करूं? अरे जिससे एक साधारण सा चूहा भी भयभीत नहीं होता, उससे दो महाबलशाली कैसे भयभीत हो सकते हैं? तू तो जाग रहा है, मैं तो सोच रहा था कि तू जागते हुए स्वप्न तो नहीं देख रहा है। जागते हुए कैसे स्वप्न देखा जा सकता है मंगू? यदि तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हम अभी उस दोनों को तुझे दिखा सकते हैं। वो उत्तर दिशा की ओर गए हुए, वो अभी भी अधिक दूर नहीं गए होंगे। उन्हें पकड़ कर मैं अपने पैरों में झुका सकता हूँ। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि तू सत्य कह रहा है। फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे महाबलशाली थे कि जो तुझसे भयभीत हो गए। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार तूने कर दिया जिससे वो दोनों सर पे पैर रख के भाग गए? करना क्या था मंगू, वैसे उन्होंने मुझे पुकारा, मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और वो मुझे ललकारने लगे। बस क्या था, मैंने भी उनके पीछे दाड़ कर दौड़ लगाई, उनके पैरों तले धरती सरक गई और दोनों रोते रोते भाग गए। वाह चंगू वाह, मैंने अपने पूरे जीवन में इतने अच्छे समाचार नहीं सुने। कोई हम जैसे नन्हे मुन्नों से भी इतना भयभीत हो सकता है? ये सुनकर मेरा मन एकदम प्रसन्नता से झूम उठा। चंगू शीघ्र बता, वो दोनों महामूर्ख कहाँ मिलेंगे? मैं भी थोड़ा मुझे डराने का आनंद लेना चाहता हूँ चंगू, शीघ्र बता। ये बात है तो अभी ले चलता हूँ, वो अभी हमें नीली घाटी की ओर जाने वाली मार्ग पर मिल जाएंगे। चंगू हाँ।
लगता है आज मुझे तेरे साथ अपने शौहर पे गर्व करने का अवसर मिल जाएगा। अगर वो दोनों महाबली हमसे भयभीत हो गए तो पूरे रूप नगर में हमारे नाम का डंका बजेगा, डंका। चल चल। देखो मंगू, वो दोनों कैसे बिगी बिल्ली की तरह भाग रहे। वो दोनों वही महाबली है जिनको मैंने भगाया था। हाँ चंगू, उसमें से तो एक युवराज सा प्रतीत होता है, किंतु दूसरा उस युवराज का पानदान पकड़ने वाला प्रतीत होता है। उसका मुखमंडल तो कुछ जोर उचक्कों के जैसा लगता है, किंतु हमें क्या लेना देना। तुम उन्हें पुकारो, देखो वो कैसे भयभीत होकर पलटते। चंगू, लेकिन ये वही दोनों है ना जिसे तूने डराया था? हाँ वही दोनों है, तुम डरो मत। हाँ। मैं हूँ ना। ठीक है, लेकिन चंगू याद रखना, अगर कोई संकट आ जाए तो भागने के लिए तैयार है ना। तू इसकी चिंता मत कर मंगू, हम भागने में तो हमारी सरकार से 10 कदम आगे। अरे हाँ चंगू, सरकार से याद आया, जब एक बार अपनी सरकार को उनके पिता श्री जबरदस्ती कुल्ला दातून करवा रहे थे, तब अपनी सरकार ने पिताश्री के हाथ में दांत काट लिया। तत्पश्चात जब पिताश्री उन्हें मारने के लिए दौड़े तो हम लोग तो अपने सरकार से 10 कदम आगे भाग रहे थे। हमारे सरकार को उनके पिताश्री ने जब पकड़कर पशु की तरह पीटा तो हम साफ साफ बच गए। ये बातें करने का समय नहीं है, उन दोनों को पुकारो, देखो वो क्या करते है। मैं उन्हें अभी आवाज देता हूँ। अरे मच्छर के बच्चों, ठहर जाओ, ये मेरा आदेश है। देखा मंगू, तेरे मेढक मुख से शेर की गर्जना सुनकर वो कितने भयभीत हो गए। ये क्या, एक की बजाय दो दो आधे अधूरे। लगता है सरकार उस मायावी शक्ति ने अपने दो दो टुकड़े कर लिए हैं। अब वो दोनों टुकड़े हमारे टुकड़े करने आ रहे हैं। सरकार, लगता है हम किसी घोर संकट में पड़ने वाले हैं। नहीं सुहार, घबराओ मत, ये हमारे सामने तिनके की भांति उड़ जाएंगे। आए मच्छर के बच्चों, अरे वहीं पे खड़े खड़े एक दूसरे का खून चूसते रहोगे। अरे यहाँ तत्काल हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ, ये मेरा आदेश है। हम अलकापुरी के युवराज है मूर्ख बंदरों, चलिए तुम दोनों हमारे सामने खड़े होकर भी दिखा दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा उपहार देंगे। अरे भटके हुए युवराज, तुम हमें क्या उपहार दोगे, तुम तो खुद एक भिक्षुक लग रहे हो। तुमने हमें भिक्षुक कहा मूर्ख, यदि साहस है तो हमारे सामने आके दिखाओ, हम तुम्हें चींटी की भांति बदल देंगे। मेरे सरकार, ये क्या कर रहे हैं सरकार, उन दोनों यमदूतों को यहाँ बुला रहे। सरकार, इन दोनों यमदूतों को दूर से ही प्रणाम करके निकल जाने में ही हमारी भलाई है। दोनों हमारे सामने आने का साहस ही नहीं करेंगे, वहीं से चीख चीख कर लौट कर अपने बिल में घुस जाएंगे और तुम्हें किस हो जाएंगे। इस तरह ललकारने से कार्य नहीं बनेगा मंगू, चलो उनको भयभीत करते हैं। हाँ चंगू, तुम ठीक कहते हो, चलो चलकर उन दोनों को डराते हैं। चलो ये दोनों तो निडर होकर हमारी ही ओर चले आ रहे हैं। यदि संकट पड़े तो पलट के भागने के लिए तैयार रहना। तुम दोनों अपने राज्य से रूपनगर की सीमा पर क्या करने आए, इसका कारण जानना चाहते हैं हम। रूपनगर की सीमा,
सुना सरार, हम रूपनगर की सीमा पर आ पहुंचे। युवराज, आप मुझसे बात कीजिए। इस तो कौड़ी के तुच्छ पानदान पकड़ने वाले से आप क्या बात कर रहे हैं? आधे अधूरो, नन्ने नन्ने बंदरो, यदि एक शब्द और निकाला तो तुम्हारी जीवा निकाल के काट डालूंगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मैं कोई तुच्छ मनुष्य नहीं, अभी तो अलकापुरी युवराज का होने वाला सेनापति हूँ। और जो तुम्हारे सामने छाती तान कर खड़े हैं, यही है मेरे युवराज। यदि तुम इनका सामना करोगे तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अरे जाओ जाओ, ऐसे कितने युवराज रूपनगर की गलियों में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि रूपनगर में आने का कारण क्या है? कारण जानना चाहते हो तो कारण मेरी नन्नी नन्नी बंदरो, कारण है राजकुमारी चंद्रमुखी। हमारे युवराज राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह रचाना चाहते हैं। ये क्या मंगू, यदि राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह रचाने आए तो हमारे सरकार का क्या होगा? हमारी सरकार विवाह के पूर्व ही विधवा हो जाएंगे। नहीं चंगू, राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार से होगा, अन्यथा वो जीवन भर कुंवारी रहेगी। मूर्ख, राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह होगा केवल कुंवर भानु प्रताप सिंह के साथ होगा। यदि हम दोनों के बीच में किसी तीसरे ने आने का प्रयास किया तो हम उसका वध कर देंगे। नहीं युवराज, हमारे सरकार का वध करने वाला अभी तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो राजकुमार, नहीं तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे। तूने कुंवर भानु प्रताप सिंह को ललकारा, अब तुम अपने सरकार का मुख तो क्या, तुम दोनों स्वयं अपना मुख नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम तुम्हारी चटनी बना देंगे। अरे लोहा सिंह जी, आप और यहाँ, बड़े आश्चर्य की बात है, आप अभी तक जीवित हैं। अरे आपकी मृत्यु की सूचना तो पूरे रूपनगर में फैल चुकी है। ये असंभव है। अरे लोहा सिंह जी, ये हो चुका है। पूर्व मंत्री रणवीर सिंह का तख्ता पलटते ही उनके साथियों के बुरे दिन शुरू हो गए, और आप तो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मंत्री वर रणवीर सिंह जी का तख्ता ही पलट गया। ये क्या कह रहे हो तुम? लगता है आपको रूपनगर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने रूपनगर की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली है, और मंत्री वर रणवीर सिंह के सभी साथियों को पकड़ कर बंदीगृह में डालने का आदेश दे दिया है। मुझे पूर्ण विस्तार से कहो, ये सब खबर कैसे हो गया? मंत्री वर रणवीर सिंह इस समय कहाँ है? लो, तो अब आपको ये भी बताना पड़ेगा। सुनिए, पूर्व मंत्री रणवीर सिंह और उनके भाई परमवीर सिंह अस्वस्थ होने का नाटक करके वैद्यराज जी की कुटिया में छिपे हुए, ताकि राजकुमारी चंद्रमुखी उन्हें बंदी न बना सके। और ज्वाला, ज्वाला ज्वाला तो सबसे चतुर निकली। राजनीतिक ने जैसे ही करवट बदली, वैसे वो महल छोड़कर लुप्त हो गई। और बिचारी रूपमती, रूपमती उसका तो सबसे बुरा हश्र। मोहन सिंह ने उसे धक्के मार मार कर महल से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो रूपनगर के महल के द्वार को कभी नहीं देख पाएगी। और कैसे क्या हो गया? अब हमें तुम ये सुझाव दो कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। भैया हमें कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा है। भैया चंगू, भैया मंगू, बताओ।
अब आप एक काम कीजिए, इन्हीं जंगलों में रुकिए और महर्षि वाल्मीकि की तरह राजकुमारी चंद्रमुखी और उनके गुप्त राशियों पर एक पुस्तक लिखिए। तुम्हारा ये दुस्साहस कि हमारे साथ प्रयास कर रहे हो। अरे इसमें प्रयास की कौन सी बात है, अगर आपका एक भी कदम रूपनगर में पड़ा तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कुछ और चलो चंगू। क्या हो गया लोहा सिंह, क्या तुझे अपना पूरा जीवन इन जंगलों में कार की तरह छिप छिप के बिताना पड़ेगा? आस पास के पेड़ों पर कहीं फल लगा है तो हमारे लिए तोड़ कर ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज, मैं यूं गया और यूं आया, आप तब तक यहाँ विश्राम कीजिए। पथिक विश्राम कर रहा है, दिखने में तो ये किसी विशाल राज्य का युवराज लगता है। हाँ राजकुमारी जी, मैंने अपने जीवन में कभी इतना सुंदर और सजीला युवराज नहीं देखा। कदाचित ये युवराज आपके लिए ही आया है राजकुमारी जी, पर रूपनगर के पथ पर चलते चलते बेचारा थककर सो गया है। यदि आज्ञा हो तो मैं जाके इसे जगाऊं। नहीं कामिनी, युवराज बहुत थके हुए हैं, इन्हें विश्राम करने दो, हम इनका प्यारा समुख जी भर कर देख लेना चाहते हैं। राजकुमारी जी, जैसे आपने कल्पना की थी वैसे ही आपको वर मिली है। जैसे आप संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, वैसे ही ये युवराज भी सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इनके नेत्र, इनकी मूछे और तो और इनके वस्त्र भी निराले हैं। अब जाइए और अपने युवराज को कुछ फल खिलाइए, क्योंकि भूख के कारण उनका मुख कुछ मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो, हम अभी अपने युवराज को अपने हाथों से रूपनगर के मीठे मीठे फल खिलाते हैं। उठिए युवराज, देखिए हम आए हैं। कौन है? हम हैं राजकुमारी चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी, आप यहाँ, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? हम तो आप ही को मिलने आ रहे थे। सत्य कह रहे हैं, आप हम ही से मिलने आए हैं। और नहीं तो क्या, हम अलकापुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह हैं। हम आप ही को ढूंढते ढूंढते इस जंगल में भटक रहे हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हम जानते हैं युवराज, इसीलिए हम आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आए हैं। लीजिए खाइए, हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। वाह, कितने कोमल फल हैं। ऐसा लगता है कि हमने किसी सुंदरी का हाथ थाम लिया। छोड़िए ना युवराज, ये हमारा हाथ ही है। हम एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं, उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते। सरकार,
चंद्रमुखी के प्रेमी नहीं थे। मेरे साथ तो हमारे इतने करीब बैठकर क्या कर रहे हो? सरकार, मैं तो आपके लिए फल लाने गया था। अरे फाड़ में गए तुम्हारे फल, हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ और जाकर हमारे लिए जल ढूंढ कर लाओ। दफा हो। चंद्रमुखी मुझे फांसी पर टांग देगी और यदि इस जंगलों में रह गया तो निश्चय ही किसी जंगली पशु का आहार बन जाऊंगा। अब तो मुझे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है। जंगल में अकेले क्या कर रहा है? यदि किसी प्रकार इसे अपने साथ मिला लिया जाए तो हो सकता है जंगल में अकेले पन का भय कुछ कम हो जाए। कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। Hey!
वृक्ष नीचे उतर, अंकश वृक्षों को चाट के फेंक दूंगा, उतर नीचे, उतर। कहाँ है तुम्हारा उतन युवराज, और तुम इस वन में क्या करने के लिए वापस आए हो? आदि मानव जी, मैं तो अपने उस उद्यान युवराज के लिए जल लेने आया था। वो वहाँ एकांत में विश्राम कर रहे हैं, जाइए आपको समय भी मिल जाएंगे। अब तुम और तुम्हारा दुष्ट युवराज सदा सदा के लिए विश्राम करने वाले। तुम दोनों ने मिलकर के मुझे बहुत अपमानित किया था ना? मैंने कहा आपका अपमान किया था, अपमान तो उस उद्दंड युवराज ने किया था। यदि आपके उदर में अग्नि लगी है तो आप अपने उदर की अग्नि को उसको खाकर बुझा लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। इस मूर्ख ने अवश्य चंगू मंगू को देखा होगा। ये हमें रूपनगर की कोई मायावी शक्ति समझ रहे, इसका लाभ उठाकर इसे अपना दास बना लेना चाहिए, यही उचित अवसर है। हे महामुनि, हे प्रभु, आप मुझे मोटी मोटी दृष्टि से क्यों घूर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मुझ निर्बल पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए ना। हम ये सोच रहे हैं कि तुम सचमुच में बहुत चतुर हो, तभी तो तुमने हमारे मायावी स्वरूप को पहचान लिया। तुम निश्चय ही हमारे सेवक बनने के योग्य हो। यदि तुम उस दुष्ट युवराज को छोड़ करके सदैव के लिए हमारे दास बन जाओ तो संभव है कि हम तुम्हें जीवन दान भी दे दें। वैसे भी वो दुष्ट युवराज तुम्हें पीड़ा और अपमान का दुख दे भी क्या सकते, क्यों? सत्य है ना? ये भयानक मायावी शक्ति कह तो ठीक रहा है, आज तक उस कुंवर भानु प्रताप सिंह ने मुझे अपमान और कष्टों के सिवा दिया ही क्या है? अरे जो अपने पिताश्री का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? जो तुम सोच रहे हो वो 16 आने सत्य है। जो युवराज अपने पिता का सगा नहीं हो सका वो भला तुम्हारा क्या साथ देगा? गुरुदेव, आप अब तक कहाँ थे? गुरुदेव, आप तो स्वामी है, अंतर्यामी है। गुरुदेव, आपने मेरे बगैर कहे मेरे मन की बात जान ली। गुरुदेव, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने मुझे अपना शिष्य नहीं स्वीकारा तो मैं आपके चरणों में यहीं बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। गुरुदेव, शिष्य उठो, आज से तुम हमारे परम शिष्य हो। आज से तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों कष्टों का विनाश हो जाएगा। किंतु तुम मुझे सर्वप्रथम ये कहो कि तुम इस मार्ग में अकेले कहाँ चले जा रहे हो? गुरुदेव, मैं अपने भूतपूर्व युवराज के लिए जल लेने आया था। ये तो तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। क्या तुम्हारा जन्म इस जीवन में ऐसे तुच्छ कार्य करने के लिए हुआ है? क्या तुम संपूर्ण उम्र अपने उस युवराज के हाथ पैर दबाते रहोगे? नहीं 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 गुरुदेव, नहीं। अब आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया है तो मेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा और मुझे उस दुष्ट युवराज से छुटकारा मिल जाएगा। यदि हम तुम्हें नहीं मिले होते तो तुम्हारा जीवन यूं ही नरक बना रहता, किंतु आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, अब तक तो तुम्हें किसी सुंदर स्त्री से विवाह करके एक परिवार बसा लेना चाहिए था। संभव था तुम्हारे दो चार पुत्र होते, दो चार पुत्र होते भी, किंतु तुम उस मूर्ख युवराज की सेवा करते करते बूढ़े और निर्बल हो चले हो। और मुझे ये लगता है कि तुम विवाह के योग्य रह भी गए हो अथवा नहीं। गुरुदेव, आपने मेरे मन की बात कहकर मुझे एकदम प्रसन्नचित कर दिया, गदगद कर दिया मुझे। अब तो मैं सदा सर्वदा के लिए आपके चरणों का दास हो गया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मुझे आगे क्या करना है। कुछ नहीं, तुम्हें अपने उस मूर्ख युवराज को सदा सदा के लिए विस्मृत करके सदैव के लिए हमारी शरण में आना होगा। अब आज से तुम्हारे जीवन में नया प्रारंभ होगा, अब जो होगा शुभ ही होगा। आओ हमारे साथ। यही
कोई अवसर है जोरावर अपना बचा कुचा जीवन संवारने का? मूर्ख भानु प्रताप सिंह का साथ छोड़कर गुरुदेव के पीछे निकलने, फिर देखना जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जोरावर, जोरावर, जोरावर को हमने जल लाने भेजा था, किंतु वो अभी तक नहीं आया। कहीं वो मूर्ख नदी में डूब के मर तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, उसे खोजना होगा, अन्यथा हमारी सेवा कौन करेगा? जोरावर, जोरावर। हो रहा है, हमारा दास हमारे शत्रु के साथ चला जा रहा है। जोरावर, ठहरो जोरावर, तुम हमारे शत्रु के साथ क्या कर रहे हो मूर्ख? तुम्हें तो हमने जल लाने भेजा था, फिर तुम इस कपटी के साथ क्या कर रहे हो? अपनी मर्यादा में रहकर बात करो कुंवर भानु प्रताप सिंह। यदि तुमने हमारे गुरुदेव को कपटी कहकर संबोधित किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज के उपरांत तुम हमारे गुरुदेव को सम्मान से संबोधित करोगे, क्योंकि आज के उपरांत हम इनके साथ अपना नया सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आज के पश्चात ये हमारे अन्नदाता है। पागल तो नहीं हो गए मूर्ख? क्या तुम भूल गए हो कि हम तुम्हारे कुंवर भानु प्रताप सिंह हैं? हाँ, हम अच्छी तरह जान गए हैं कि तुम कौन हो। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझ जैसे बुद्धिजीवी से गदा जैसे कार्य करवाए? अरे जाओ, तुम्हें राजकुमारी चंद्रमुखी तो क्या उसकी कोई तुच्छ दासी भी पसंद नहीं करेगी। एक बार अपने इस दैत्य जैसे मुख को नदी के जल में आप लज्जा से चुल्लू पर पानी में डूब मरोगे। जोरावर, ये नाम मत भटके हुए युवराज, तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। तो अब मेरे नेत्रों से पर्दा हट चुका है। अरे तुम तो वो हो जो अपने स्वार्थ की खातिर अपने पिता का भी रक्त बहा दो। अरे तुम्हारे पास कोई मनुष्य तो क्या? आज के पश्चात कोई पशु भी नहीं आएगा। अद्भुत हो शिष्य तुम, अति अद्भुत। इस जैसा शिष्य वर्षों की साधना के पश्चात ही किसी गुरु को मिलता है। ये मेरा परम प्रिय गुरु सेवक शिष्य है। इस जैसे कोहिनूर की ही मुझे तलाश। धन्यवाद, मेरा साथ अंत तक देना। यदि आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो ये मुझे कच्चा खा जाएगा। हम तुम्हारे प्राण छीन कर नरक में भेज देंगे। विश्वासघाते, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। कि तुम भूल गए कि अलकापुरी में विश्वासघात की सजा मृत्यु दंड होती है? ये अलकापुरी नहीं है, ये राजकुमारी चंद्रमुखी का रूपनगर है। यहाँ तुम्हारे पिता का राज्य नहीं, यहाँ पर राजकुमारी चंद्रमुखी का राज्य चलता है। यदि अब तुमने और पक की तो राजकुमारी से कहकर तुम्हारा शीश धड़ से अलग करवा दूंगा, समझे? सरावर, या तो तुम पागल हो गए हो या इस मायावी शक्ति की चपेट में आ गए हो। ये हम तुम पर दया करके तुम्हें शवदान देते हैं। तो याद रहे, ये कपटी तुम्हें रूपनगर नहीं मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा। वहां भी अगर तुम बच निकले तो तुम हमें ढूंढते फिरोगे। अरे जाओ जाओ, अपनी राय अपने पास रखो। यदि भटकते भटकते तुम इस रूपनगर के जंगल में जीवित रह गए तो मैं राजकुमारी चंद्रमुखी से कहकर तुम्हें अपना दास बनवा लूंगा। अब जाओ यहाँ से, हम अपने गुरुदेव के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी के राज की ओर प्रस्थान करते हैं। बस अचानक भाग्य की कुंडली ने कैसी पलटी मारी है, हमारा तुच्छ सेवक भी हमें आंखें दिखा गया।
संसार उगते सूर्य को ही प्रणाम करता है, हमारा भी समय आएगा, एक बार चंद्रमुखी से हमारा विवाह हो जाए। चंगू, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो हमारे नेत्र देख रहे हैं? मुझे तो सामने से महल की दो दासियां दिखाई दे रही जो जंगल में विचरण कर रही है। इसका मतलब चंगू, तो मेरी नेत्रों को कोई भ्रम नहीं, किंतु एक बात समझ में नहीं है चंगू, कि दिन भर महल में विचरण करने वाली ये दोनों दासियां इस भयानक जंगल में अचानक क्या कर रही है? इन्हीं से पूछना होगा। ठहरो दासियों, क्या हम जान सकते हैं कि रूपनगर के इस भयानक जंगल में तुम दोनों अकेले क्या करने आई हो? यही प्रश्न हम तुमसे पूछने चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? संभल कर बात करो दासियों, तुम जानती हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। ग्रुप चोर, तुम दोनों भी वही हो जो हम है। अंतर केवल इतना है कि हम राजकुमारी चंद्रमुखी की सेविका है और तुम उस मूर्ख धुआं सिंह के तुच्छ दास हो। बस अब हमें भविष्य में कभी दासी कह के मत पुकारना, इसे नंदिनी कहना और मुझे कामिनी। यदि फिर कभी तुम्हारे मुझसे दासी निकला तो हम राजकुमारी चंद्रमुखी से कह के तुम्हें अवश्य दंड दिलवाएंगे। और फिर कभी हमें टोकर बुलाना मत, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। चल कामिनी। चंगू, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमें इन तुच्छ दासियों की जली कटी सुननी पड़ रही है। हमें चलकर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, तो देखना अब मैं इन दोनों को ऐसा मूर्ख बनाऊंगा कि ये दोनों जीवन भर मुझे गुरु मानकर मेरा सम्मान करती रहेंगी, मुझे पूछती रहेंगी। ठहरो रूप कुमारियों, ठहरो। अब क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? यदि हमारे रोकने और टोकने से आपको पीड़ा पहुंची हो तो हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे बार बार क्षमा मांग रहे हैं, किंतु हम आपकी भलाई के लिए आपको रोक रहे थे प्रिय कामली जी और प्रिय नंदिनी जी। हमारे भले के लिए? हम समझे नहीं। हम आपको समझाते हैं। अभी समय पे हमने एक नरभक्षी चीते को जाते देखा, जिसके लिए हमने आप लोगों को रोका, वरना हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आप लोगों को रोक और टोक सके। हरिया, अब राजकुमारी जी का क्या होगा? वो तो स्नान करने के लिए इसी स्थान पे आने वाली है जहाँ पे उन्होंने नरभक्षी चीते को देखा है। चलो तत्काल जाके उन्हें सूचना देते हैं। यदि चीते ने उन पे आक्रमण कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। ये तूने क्या किया? राजकुमारी चंद्रमुखी झरने पर स्नान करने के लिए आ रही थी तो तूने इन्हें चीते की कहानी सुना के डरा दिया। अब राजकुमारी चंद्रमुखी स्नान करने के लिए नहीं आएगी। मूर्ख चंगू, मुझे क्या पता था कि राजकुमारी चंद्रमुखी झरने पर स्नान करने आने वाली है। ये तूने क्या किया? राजकुमारी चंद्रमुखी झरने पर स्नान करने आती तो हमारे सरकार उसके बहाने उसके साथ स्नान कर लेते। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने चीते की झूठी खबर सुनाई है, वरना रूपनगर के जंगलों में हमारे हाथ पैर बांध कर हमें फेंक दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी भयानक पशु आ करके हमें चट कर जाएगा। चंगू चलो। कुछ नहीं कर सकते भानु प्रताप सिंह, जिस सुरावर पर तुमने इतना भरोसा किया, आज समय पड़ने पर उसने भी तुम्हें छोड़ दिया। अब राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे सामने कोई मार्ग नहीं है। चलो।
करके हमें पकड़ने का प्रयास किया था। उस बार तो हम बाल बाल बच निकले थे, क्योंकि वो गद्दार सलामत भी हमारे साथ था। लेकिन अब अकेले पड़ गए। दृष्टि हम पर पड़ गई तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम उसकी दृष्टि से बच कर निकल लें। अवश्य ये हमें ही खोज रहा।